हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ा हूँ वॉकिंग के लिए। अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं, मैं 5 बजे उठी आता। और अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि रोज वॉकिंग के लिए जाऊंगा, अभी सिर्फ सोचा ही हूँ, आज पहला दिन है, अब देखते हैं कब तक कंटिन्यू हो पाता है। आज मैं सोच रहा हूँ बाल कटाने के लिए, क्योंकि बाल अभी साइड साइड के अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कटा देता हूँ, थोड़े शॉर्ट शॉर्ट कर दूंगा। और लंबे बाल मेरे बहुत झड़ते हैं, तो लंबे बाल तो मैं अभी रखने ही नहीं वाला। और आज दूसरा काम ये है कि आज मुझे कार वॉश करना है भाई साहब, वो अपने आप में बहुत एक वर्कआउट हो जाता है। अच्छा, बाय द वे, मैं ये अपने नए वाला रोड में आया हूँ, मेन रोड में, ये देख सकते हैं पूरा रोड बन चुका है, वो सामने में CISF है, तो अच्छा हो गया। यहाँ पे जो गाड़ी है ना, वो 80-90 की स्पीड से निकलती है। तो मैं घर आ चुका हूँ और अभी मैं जाऊँगा बाल कटाने के लिए, अभी नहीं मतलब थोड़ी देर बाद, और आपसे मिलते हैं बाल कटाने के बाद। चलो, सो एज यू कैन सी, मैं अपने बाल कटा के आ चुका हूँ और इस बार अच्छे सही से बाल काटे हैं, मेरे को ऐसे ही पसंद है छोटे छोटे बाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, उसके बाद छोटे मोटे काम है, फिर कार वॉश भी करना है, और उसके बाद ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो चलिए अब जल्दी से अपनी कार वॉश कर लेते हैं। ये रहा कपड़ा, कार वैसे साफ ही है, बस इसको पानी से एक बार धोऊंगा, फिर कपड़ा मार दूंगा और फिर ढक के रख दूंगा। अभी बाहर काफ़ी धूप हो गया है वैसे, और सबसे पहले कार के अंदर की जो कांच है ना, ये मैं हल्की हल्की ना, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये खुली है, वैसे वो पीछे साइड की भी खुली है, ये सब ना मैं खोल के रखता हूँ, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है ना तो गर्म हो जाती है, तो पूरा भभकता है अंदर में, तो हवा पास होता रहता है ना, तो ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो सबसे पहले इसको अपन बंद कर लेते हैं। तो कांच बंद कर लिए हैं, अब चलते हैं गाड़ी वॉश करने के लिए। पहले मैं स्कूटी धोने का वीडियो बनाता था, अभी कार धोने का बना रहा हूं, फिर आगे चल के ट्रक धोने का बनाएंगे। तो भाई, गाड़ी साफ हो चुकी है और मैंने कपड़ा भी मार दिया है, हल्की हल्की गीली है, तो जैसे सूख जाएगा उसके बाद मैं इसमें कवर चढ़ा दूंगा। तो चलिए अब जल्दी से आपको आज का जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो बताता हूँ। तो मैंने इसी महीने के 28 को ये बुक ऑर्डर किया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, पूरा पेटी पैक देख सकते हैं, मैंने अब तक खोला भी नहीं है, और मेरे को ये 31 को डिलीवर हो गया था, और मैंने इसको अमेजोन से लिया था। तो बाई चांस अगर किसी को चाहिए होगा तो आप अमेजोन से जाके परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 99 का ये, मेरे को बहुत सस्ता मिला था इसलिए मैंने लिया। पर इसका ना इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमेजोन जनरली डिलीवर करता है, आपको अमेजोन का डब्बा दिखता है, तो ना इस बार ये जो बुक है ये ब्लू डार्ट करके कोई एक होगा शिपिंग का कंपनी, तो उसने ये डिलीवर किया है, तो ब्लू डार्ट ने डिलीवर कर दिया, लेकिन अमेजोन में दिखा रहा है अभी भी कि ये जो आपको जो प्रोडक्ट है ये आपको 8 या 9 तारीख को डिलीवर होगा, यानी अगस्त के, तो उसमें अभी भी वो शिपमेंट में दिखा रहा है, मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा साइड में कहीं पे, जबकि बुक मेरे हाथ में है। सो अमेजोन थोड़ा काम करना पड़ेगा भाई। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक आज मेरा बहुत सारा काम हो गया। मैं वॉक पे गया था, वहां से आ गया, उसके बाद मैं हेयर कट कराने के लिए गया, वॉशरूम साफ किया, कार को भी अभी साफ कर लिया आपने देख लिया, और अभी बस पढ़ने के लिए बैठना है, और पूरे दिन में और कुछ भी काम नहीं है, खाना है और सोना है बस, और कुछ काम नहीं है और पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, आई नो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं था, बट अब आगे कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं दिखाने के लिए, तो आपको क्या दिखाऊं। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों से शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।